नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू न्यूज़ टुडे इंडिया। पंचायत इलेक्शन 2023 का ताज़ा खबर लेकर मैं मौजूद हूं जब्बार अली अपने सहप्रतिनिधि सौमिक लश्कर के साथ पांजीपारा से। आप सभी को बता दें 8 जुलाई 2023 को पंचायत निर्वाचन 2023 होने जा रहा है और इसी सिलसिले में सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने अपने अंदाज अपने अपने तरीके से कवर कर रहे हैं कि वोटर का जो प्रचार उस वोट का प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं 7 नंबर जिला परिषद सीट से समस्तवरेज उर्फ बाबू, उसके समर्थन में, उसके सपोर्ट में और कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके समर्थन में एक रैली निकाला जा रहा है। आप देख रहे हैं इलाहीबख्श पांजीपाड़ा इलाहीबख्श हाई स्कूल के मैदान से वो रैली का तैयारी किया गया है और कुछ ही देर में जिला परिषद 7 नंबर आसन के कांग्रेस के प्रत्याशी समस्तवरेज बाबू भाई के समर्थन में इस वक्त आप देखते हैं काफ़ी तादाद में युवा पीढ़ी के वोटर इस वक्त मुखातिब हो चुके हैं, यहाँ शरीक हो चुके हैं, शरीक कर चुके हैं और वो लोग अभी इस बाइक रैली को लेके आज कुछ कुछ जगह में कह सकते हैं कि इस संसद इस जिला परिषद क्षेत्र के जो भी पंचायत इलाका है उस पंचायत इलाके में वो लोग मिचिल करेंगे, बाइक रैली करेंगे और लोगों को वोट के लिए दावत देंगे। आप सीधा सीधा वो तस्वीर देख रहे हैं जिस बाइक रैली के एकदम सामने 7 नंबर जिला परिषद के कांग्रेस के प्रत्याशी यानी कांग्रेस के उम्मीदवार समस्तवरेज उर्फ बाबू भाई हैं और उसके साथ मास्टर राजीक भी यहां मौजूद हैं और उसके जितने सपोर्टर्स हैं बाइक लेके तैयार हैं। चलिए सीधा रूबरू होते हैं समस्तवरेज बाबू भाई से। बाबू भाई, सबसे पहले मुबारकबाद ये देते हैं कि युवा पीढ़ी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और आप युवा पीढ़ी में से एक हैं, इस बार 7 नंबर जिला परिषद में कांग्रेस का उम्मीदवार है। कितना खड़ा उतरेंगे पब्लिक में, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं और आज कहां कहां जा रहे हैं बाइक रैली के जरिए प्रचार करने के लिए? देखिए, उम्मीद तो हम पब्लिक को लेके ही किए हैं, चूँकि एक कैंडिडेट उम्मीद अगर करता है तो पब्लिक को लेके ही करता है और पूरे पब्लिक मेरे साथ हैं, आप देख ही पा रहे हैं। और हम लोग का जो रूट है तो रूट के बारे में तो मैं इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन हमको लिस्ट अभी मेरा छोटा भाई राजीव जो है वो हमको सुबह को करके रखा था, वो बोला भैया हम लोग का लिस्ट रेडी हो चुका है तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं लिस्ट के बारे में। लोगों के पास किस किस इशू लेके कांग्रेस के प्रत्याशी होकर लेके जा रहे हैं कि आप इस लिए वोट का हकदार हैं या फिर इस इशू में आपको वोट देना चाहिए? देखिए, इशू तो बहुत सारे हैं, इशू तो बहुत सारे ऐसे ऐसे इशू हैं कि जैसे एजुकेशन को लेके, जैसे आज हमारे यहाँ क्या कहते हैं ये कोई कॉलेज नहीं है, गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है, उसके बाद आपका सही मेडिकल आपको फैसिलिटी नहीं है और भी बहुत सारे ऐसे इशू हैं तो इनको लेके हम अपना मुद्दा बना के हम आगे लेके आ रहे हैं। जी बाबू, एक सवाल पूछेंगे कि कुछ दिन पहले भी पंचायत से कुछ दिन पहले भी आप तृणमूल कांग्रेस के एक होनहार एक सेना थे जी, लेकिन अचानक कोई ऐसा सिचुएशन माहौल तैयार हो गया कि आज आप कांग्रेस के जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के प्रार्थी हैं जी। तो जो लोग खास करके जो क्षमतासीन है यानी अभी जो पावर में है रूलिंग पार्टी के जो उम्मीदवार हैं तृणमूल कांग्रेस के या फिर बीजेपी के यहाँ हैं या फिर दूसरे दिगर पार्टी के होंगे, तो उन लोगों को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? क्या सिर्फ मुद्दों लेके या फिर जो अपोजिशन होते हैं उनको भी कुछ देख रहे हैं? देखिए, अपोजिशन के बारे में देखिए, कल तक हम TMC में थे, आज हम कांग्रेस में हैं। और रही बात, ये लोकतंत्र देश है, सबको आज़ादी है अपना अपना वोट मांगने का, किसी का हम किसी से हम दुश्मनी नहीं चाहते हैं ना किसी से दुश्मनी करना चाहते हैं और जो भी कैंडिडेट हैं सबको हमसे प्यार करते हैं, हम भी उससे प्यार करते हैं और काफ़ी इज्जत देते हैं। उस दिन हमारे TMC अब ये मजर जो थे जी जी जी, तो उससे गन्नावाड़ी चौक में मुलाकात भी हुई थी, शायद आप भी थे वहाँ और बातचीत सही है जी, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। एक मिठास भरा आवाज़ है आपका और साथ ही साथ लोगों से बहुत मुस्कुरा के बात करते हैं, ये खूबी लोगों को बहुत भाया है इस बार, क्या यही रहेगा बरकरार? चलिए इस सिलसिले में बात करते हैं मास्टर राजीक से। राजीक भाई, आज का रूट क्या है इसका? मेरा रूट ये है कि आज हम लोग पांजीपाड़ा बतावाद तलियापुर से फूलबसा चौक, फूलबसा चौक से आप देवना से सन्नाबाड़ी, फिर कटहलबाड़ी होता हुआ हम लोग बाजार करके वापस आएंगे फिर अपने स्थान पर। मैं एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं इस बार लोगों को, वोटर को क्या कह रहे हैं? सबसे पहले पहुँचाएंगे आप लोग, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहूँगा, एक से वो बुलंदी किस काम की
वो बुलंदी किस काम की जिस पे इंसान चढ़े और इंसानियत भूल जाए। हम सभी को जानते हैं कि आज के जमाने में आज जिस तरह से युवक आगे आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, हर युवक को आना भी चाहिए। हमारे ग्वाल पोखर में बहुत सारे ऐसे चीज़ की कमी है जो बहुत सारे ऐसी चीज़ की कमी है जो अभी पूरा नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग एक उम्मीद के साथ बाबू भाई के साथ हैं, बाबू भाई के साथ जुड़े हुए हैं, बाबू भाई को खड़ा किए हैं, संत तबरेज को खड़ा किए जिला परिषद नंबर 7 से कि बाबू भाई को जिता के लाएंगे और इंशाअल्लाह पब्लिक का अवाम का वो उम्मीद पूरी होगी। देखिए जिस तरह से तुष्टिकरण की राजनीति हम लोग के ग्वाल पोखर में हो रहे हैं, हर ग्वाल पोखर में सिर्फ ममता बनर्जी के नाम से हर कैंडिडेट, चाहे वो वार्ड का हो, चाहे समिति का हो, चाहे जिला का, जितने भी टीएमसी के कैंडिडेट हैं सिर्फ अपने नाम से वोट, ममता के नाम से वोट मांगते हैं। कभी तो अपने नाम से वोट मांगे, पिछले 5 सालों में आपने क्या काम किया, क्या करके दिखाया, इसके नाम पर आप वोट मांगे। पब्लिक के पास जाइए, आप बोलिए कि पिछले 5 साल जो आप हमको जिताए, हम 5 सालों में ये काम किया, इसके नाम पर वोट, ना कि आप स्टेट सरकार के नाम पर वोट मांगे। और हम लोग पूरा अवाम एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर शम्स तबरेज उर्फ बाबू के साथ हैं और इंशाअल्लाह बाबू भाई को जिता के ही रहेंगे। पूरा अवाम का यही है कि बाबू मकसद है, अवाम का सोच है कि इस बार वोट, इस बार बदलाव जरूरी है। देखिए बदलाव मुमकिन है, बदलाव क्योंकि एक वोट की कीमत, आज ज़्यादातर वोट पैसों से खरीदा जाता है, लेकिन मैं उन आदमियों से कहना चाहूँगा कि आपको 200-400 में आप अपना वोट बेच देते, आप अपना वोट कैंडिडेट देते, फिर आप 5 साल एक ही बात दिल में लेकर पछता रहे हैं कि हमने ऐसा गलती क्यों किया। क्योंकि आज अगर जुल्म के खिलाफ हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे आने वाले नस्लें गुंगी और बहरी पैदा हो जाएगी, गुंगी और बहरी रहेगी। कल अगर हमारे नस्लें, हमारे औलाद हमसे सवाल करेंगे कि जब पांजीपारा में या ग्वाल पोखर में सत्ताधारी पार्टी आप पर जुल्म हो रहा था, जुल्म कर रहा था वहाँ पर, आप लोग उस वक्त हर चीज़ जानते हुए चुप क्यों थे। इसीलिए मैं हर युवा से, हर आदमी से एक ही बात का अपील करता हूँ कि आप लोग जुल्म के साथ, जुल्म के खिलाफ वोट करें, ना कि जुल्म के पक्ष में, आप लोग जुल्म के खिलाफ वोट करें। बस कितना उम्मीद लगाया बैठे हैं कि बाबू भाई शम्स तबरेज जीतेगा इस बार? जी सबसे पहले तो एक्चुअली बाबू मेरा छोटा भाई है और मैं एक युवा नेता हूँ ग्वाल पोखर का, कांग्रेस का ही। आपने बाबू भाई से एक सवाल पूछा, छोटे भाई से, कि आप लोग ऑपोजिशन को किस नज़र से देखते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग कांग्रेसवादी हैं, संविधान को मान के चलने वाले हैं, इसलिए हम अपने ऑपोजिशन को ऑपोजिशन की नज़र में ही देखते हैं, ना कि दुश्मन की नज़र में। अभी जो हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग किसी अगेंस्ट में नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग एंटी करप्शन और गुंडागर्दी जो है उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह पब्लिक इस बार साथ देंगे हम लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब देख सकते हैं इस वक्त वो तस्वीर देख सकते हैं जहां आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है उम्मीदवार जो है बाबू भाई उर्फ तबरेज, शम्स तबरेज के समर्थन में, कांग्रेस के उम्मीदवार इस वक्त आप देख सकते हैं उम्मीदवार के समर्थन में वो बाइक ले रही है, यही बस भारतीय कॉलेज यही बस हाई स्कूल के समर्थन में आप देख सकते हैं, हाथ छाप के निशान के समर्थन में इस वक्त कांग्रेस के पार्टी जो है उनके समर्थन में इस वक्त वो लोग मिचिल निकाल चुके हैं। वो सीधा सीधा तस्वीर आप लोग देख सकते हैं न्यूज़ टुडे इंडिया में। सीधा सीधा वो तस्वीर आप पांजीपारा से देख रहे हैं जहां बाबू भाई उर्फ शम्स तबरेज उनके समर्थन में 7 नंबर जिला परिषद के कांग्रेस उम्मीदवार उनके समर्थन में इस वक्त मिचिल निकाला गया है, और इस बाइक रैली बहुत सारे जगह पर जाएंगे और सीधा तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे पीछे तक देखो, आप देख सकते हैं वो सीधा तस्वीर इस वक्त पांजीपारा के नेशनल हाईवे होते हुए आस्ते आस्ते भाई धीरे 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 आस्ते आस्ते आस्ते
ওদেরকে যেতে দাও, ওদেরকে যেতে দাও, আমরা পিছন থেকে দেখাবো। ফেরত আসতে, উল্টাপাটাং উটপাটাং গাড়ি চালাচ্ছে সব ধীরে। আপ দেখ সকতে হ্যাঁ, সিদ্ধার্থ তসরিফ, মানে আপনার সহপ্রতিনিধি স্বামী কে সাথে ইস ওক্ত মুখাতিব হুম উত্তর দিনাজপুর জেলা কে পাঞ্জি পাড়া সে, যাহা কংগ্রেস কে সমর্থন মে, কংগ্রেস উম্মীদবারো কে সমর্থন মে আর সাত নম্বর জেলা পরিষদ কে যে কংগ্রেস উম্মীদবার হ্যাঁ সমস তভরেজ উর্ফ বাবু কে সমর্থন মে ইস ওক্ত বাইক র্যালি কিয়া যা রহা হ্যায়। সামনে তাকাও, ধীরে ধীরে চলো, বাস মিছিল থাকবে, যখন ক্লোজ দরকার হবে আমি বলে দেবো, ওদেরকে সব যেতে দাও। হ্যাঁ ক্লোজ দেখাচ্ছি, আস্তে 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 আস্তে, চলো सलामत रहे मेरी हिम्मत, क्योंकि ये चिराग
आंधियों पे भारी है, क्योंकि ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। शम्स तबरेज़ उर्फ बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 पार्षद राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हाथ छाप जिंदाबाद, हाथ छाप जिंदाबाद, शम्स तबरेज़ उर्फ बाबू जिंदाबाद, पोखरिया की जनता जिंदाबाद, धर्मपुर वन की जनता जिंदाबाद, धर्मपुर दो की जनता जिंदाबाद, बांजीवाड़ा की जनता जिंदाबाद। पर 3 नंबर का निशान, हाथ छाप जिंदाबाद, हाथ छाप जिंदाबाद, हाथ छाप जिंदाबाद। उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 की जनता जिंदाबाद, शम्स तबरेज़ उर्फ बाबू जिंदाबाद, शम्स तबरेज़ उर्फ बाबू जिंदाबाद, हाथ का निशान जिंदाबाद, हाथ का निशान जिंदाबाद। जी हाँ दोस्तों, भाई के साथियों, जैसा कि आपको मालूम, आगामी 8 जुलाई को पंचायती चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में आपके बीच उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 से कांग्रेस के उम्मीदवार शम्स तबरेज़ पार्षद पद के लिए आपके बीच चुनावी मैदान में खड़े हैं। तो चलिए दोस्तों भाई के साथियों, आगामी 8 जुलाई को अपनी चट्टानी एकजुटता का परिचय दीजिए, अपनी दुआ, अपने आशीर्वाद दीजिए और अपना तबरेज़ का चुनाव निशान है, हाथ छाप जो बैलेट पेपर है कर्मांकन पर अंकित है। तो चलिए दोस्तों भाई और साथियों, आगामी 8 जुलाई को टॉयलेट बूथ चलिए और अपना एक ही कीमती वोट हाथ छाप कर दीजिए। शम्स बस 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 ब
आप देख रहे हैं वो तस्वीर, सीधा सीधा तस्वीर पांजीपारा से, जहां 7 नंबर जिला परिषद के कांग्रेस के उम्मीदवार शम्स तबरेज उर्फ बाबू के समर्थन में इस वक्त पांजीपारा से होता हुआ वो मिचिल सीधा सरनावारी की ओर जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे इंडिया में। और जगह जगह पे शम्स तबरेज अपने वोटर से उतर के बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वो सीधा सीधा तस्वीर कांग्रेस प्रार्थी, कांग्रेस के उम्मीदवार शम्स तबरेज बाबू के समर्थन में। काफ़ी नए पीढ़ी के, नए जनरेशन के जो वोटर हैं, वोटर बाइक रैली लेके निकल पड़े हैं। वो तस्वीर आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं वो तस्वीर को भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि शम्स तबरेज और बाबू इस बाइक रैली के दौरान ही अपने अपने इलाके के जो वोटर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि सरनावारी पांजीपारा से सरनावारी के जाते हुए रास्ते में जितने भी लोग उनको नज़र पड़ रहा है उन लोगों से वो मिल रहे हैं। सीधा सीधा वो तस्वीर आप देख सकते हैं न्यूज़ टुडे इंडिया में। तो सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं कि बाइक रैली के दौरान ही जहां जहां उनके वोटर्स हैं उनसे वो मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं और अपने वोट के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं। वो तस्वीर आप देख सकते हैं। यहां तक कि आप देख सकते हैं वो सौजन्य कि यहां तृणमूल कांग्रेस के जो ऑफिस हैं उस ऑफिस में भी वो जाके उन लोगों से मिल रहे हैं। आप सभी को बता दें कि अगर सौजन्यता का कोई मिसाल हो तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के जो ऑफिस है जहां उनका ऑपोजिशन में रूलिंग पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके दफ्तर में भी जाके वहां के जो तृणमूल के कर्मियां हैं उनसे मिले, हाथ मिलाएं। सीधा तस्वीर आपको दिखाएंगे कि युवा पीढ़ी के कुछ वोटर्स भी चलिए इस सिलसिले में
जो भी बोले चलिए इस सिलसिले में बात करते हैं। यहाँ और एक मुखातिब हैं कांग्रेस के रहनुमा, बोल रहे हैं बाइक रैली हो रहा है सम तबरेज के समर्थन में, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, वोट में क्या रिजल्ट होगा? इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, अब वो हम देख रहे हैं कैसे हो रहा है। देखते हैं कि कुछ यंग पीढ़ी के यंग जनरेशन के कुछ वोटर भी इस बार आपके बाइक रैली में शामिल हुए हैं। किस किस अंचल में आज जा रहे हैं आप लोग बाइक रैली लेकर? जगह हम लोग का सही मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफा। अच्छा वोट से जीतेंगे। लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं पांजीपारा से। मैं जब्बार अली अपने सहप्रतिनिधि सौमिक के साथ इस वक्त मुखातिब हूँ उत्तर दिनाजपुर जिले के पांजीपारा के पोखड़ी अंचल से, जहां आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार शम्स तबरेज उर्फ बाबू भाई